सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और मानसून के आगमन ने सरयू को धीरे धीरे खतरे के निशान के पास पहुंचा दिया है। फिलहाल सरयू का जलस्तर 92 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन तेजी से बढ़ता पानी चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू का जलस्तर हर घंटे 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और गहरे पानी में जाने से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने बताया कि वर्तमान में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियों का निर्माण हो चुका है और चौकियों पर 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। सदर तहसील में 6, रुदौली में 3 और सोहावल तहसील में 1, कुल मिलाकर 10 बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया है। नहीं, इसमें हम लोगों ने बाढ़ के पूर्व की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है जिला जनपद स्तर पर वो हो चुकी है हम लोग की, और सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और आपदा विभाग सब हम लोगों ने विस्तृत रूप से सर्वेक्षण कर लिया है। और बाढ़ के पूर्व जो तैयारी है उसमें बाढ़ चौकियों का निर्माण है, तो हमारे यहाँ सदर तहसील में 6 और रुदौली में 3 और सोहावल तहसील में 1 10 बाढ़ चौकियों का निर्माण हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पिछले साल लगभग 12 गांव प्रभावित हुए थे सदर और रुदौली और सोहावल मिलाकर, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने चौकियाँ स्थापित की है। और अगर यदि बाढ़ अधिक आती है तो जिन गांव में चौकियाँ है तो उसको अस्थायी चौकियाँ हम लोग बनाएंगे। जो हमारे पंचायत भवन है, जो हमारे वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। तो काफ़ी व्यापक स्तर पर हमारे पास आधारभूत संरचना मौजूद है और हम लोग पंचायत भवन का, आंगनबाड़ी केंद्र का, ANM सब सेंटर्स का उसका प्रयोग करेंगे। और हमारे जो कार्मिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्मिक है, उसमें लगे हुए हैं। बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी गई है, उसमें 24/7 की ड्यूटी लगा दी गई है और वहाँ पे हमारे कर्मचारी रहेंगे। और बाढ़ की स्थिति के दौरान अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तत्काल रूप से उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम से भी लोगों को कम्युनिकेट करेंगे और लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। वर्तमान में बाढ़ की स्थिति नहीं है और लेकिन सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो 92.73 मीटर जो हमारा डेंजर लेवल है, अभी 91.95 मीटर पहुंच चुका है। तो उसके दृष्टिगत अलर्ट जारी किया हुआ है और हम लोग लगातार रखे हुए नज़र उस पर। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपदा के दौरान जो राहत सामग्री दी जाती है, और राहत सामग्री के संदर्भ में जितने भी टेंडर्स प्रक्रिया है वो कम्प्लीट कर दी गई है और किसी भी स्थिति में हम लोग उसको तत्काल सप्लाई करने की स्थिति में होंगे। और जो बोट्स की व्यवस्था है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर जनपद अयोध्या में है और लगभग हम लोगों ने सभी बोट्स और गोताखोर को चिन्हित कर रखा है और जैसी स्थिति आएगी तो उसमें हम लोग तत्पर रूप से कार्रवाई करेंगे। और जनपद अयोध्या में बोट की उपलब्धता अधिक है और हम लोग अन्य जनपदों को भी आवश्यकता पड़ने पर हम लोग बोट सप्लाई करते हैं। पिछले वर्ष बाढ़ से प्रभावित 12 गांवों में इस बार पंचायत भवन और वेलनेस सेंटर पर राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ की स्थिति होने पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को अलर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने नावों और गोताखोरों की व्यापक व्यवस्था की है। जनपद अयोध्या में पर्याप्त बोट उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों को भी सप्लाई की जाएगी। समय की मांग है कि सभी लोग सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बाढ़ की संभावनाओं के बीच सुरक्षा और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।